डिटर्मिनेंट्स, NANTS, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ना, दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड PNC। ये दो चैप्टर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हैं। दो फेज में पढ़ेंगे इसको, अलजेब्रा को दो फेज में डिवाइड करेंगे। मैं मतलब मोस्टली ये फोर चैप्टर्स जो आप है ना क्लास 11th पास करते करते पढ़ लोगे। दीज फोर चैप्टर्स मोस्ट प्रोबली विल बी कमिंग व्हेन यू विल बी एंटरिंग इन क्लास 12th। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब इट इज नथिंग रिलेटेड कि क्लास 11th के लिए ही ये चार पढ़ने हैं, क्लास 12th के लिए ये चार पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जेई की बात जब करते हैं तो जेई में वी डू नॉट डिवाइड द चैप्टर्स एज पर क्लास 11th और 12th। हम एक सीक्वेंस में पढ़ते रहते हैं एंड वी ट्राई एंड कम्प्लीट, क्योंकि ये चार चैप्टर्स बेसिक बनाते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऊपर वाले चैप्टर्स का काफी यूज आएगा, तो इसलिए हम फेज वाइज डिवाइड कर रहे हैं इसको कि फेज वन में हम ये पढ़ेंगे, फेज टू में हम ये पढ़ेंगे। बट अगेन आई एम सेइंग कि हम सिलेबस को क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिस पे नहीं डिवाइड करते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप NCERT में क्लास 12th में देखोगे, बट हम हो सकता है क्लास 11th में कवर कर लें। सेम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप NCERT में क्लास 11th में देखोगे, बट हो सकता है हम क्लास 12th में करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा JEE पे फोकस रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज वन सेक्शन। दिस वन सेक्शन अलजेब्रा कंप्राइजेस ऑफ 8 चैप्टर्स, और ये सारे चैप्टर्स अपने आप में बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं एंड बहुत सारा एप्लीकेशन है। जो टफेस्ट मोस्ट चैप्टर्स हैं वो PNC एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर टफ क्यों है? क्योंकि इसमें सब चीज का यूज होता है, एवरीथिंग इज यूज इन दिस चैप्टर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसीलिए हम इस चैप्टर को एकदम लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें आनी चाहिए इस चैप्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए, सही से सीखने के लिए। ठीक है, और PNC क्यों टफ है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसलिए टफ है बिकॉज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कितने सेट्स ऑफ क्वेश्चन भी लगा लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, एट द एंड अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करेगा तो इट विल क्लिक, एल्स इट विल नॉट। तो पहले फेज में इसको थ्योरी वाइज क्वेश्चंस रिलेट कर करके सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली मेंस में पूछे जाते हैं या IIT में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहले हम उस चीज को दिमाग में रखते हुए, उस चीज पे फोकस होकर के फिर पहला फेज पढ़ेंगे PNC का। सेकेंड फिर आई विल बी गिविंग यू सर्टन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वी विल ट्राई एंड कवर दिस चैप्टर इन वेरी डिटेल PNC, क्योंकि दिस इज वन चैप्टर जहाँ पे एक्चुअली मतलब इफ यू प्ले चेस तो यू नो दैट ईच गेम इज डिफरेंट, राइट? कितने भी स्टार्टिंग के कुछ मूव्स याद कर लो, बट जब तक मिडिल गेम तक पहुंचते हो या एंड गेम तक पहुंचते हो तो चीजें एकदम डिफरेंट यू टर्न ले चुकी होती हैं। वेर एंड जिसको चेस खेलना सही से आता है वही वहां पे सर्वाइव कर सकता है। तो PNC इज सच लाइक सच चैप्टर कि कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, स्टार्टिंग के बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे, बट वेन यू विल बी इन द मिडिल गेम और वेन यू विल बी इन द एंड गेम तो सारी चीजें विल बी अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे कितना सीखा है वो सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, एवरीथिंग नीड्स टू बी अप्लाइड। एक सेकेंड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन, अच्छा हो रही है, ठीक है। तो दैट इज द केस विथ अलजेब्रा। अलजेब्रा के ये दो चैप्टर्स टैकल करेंगे सबसे, ऐसे डरने वरने वाली बात नहीं है, हूँ ही मैं साथ में पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट। अब ये बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द नेक्स्ट सेक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये बहुत ही मतलब इजी नहीं बोलूंगा, बट 25% ऑफ द पोर्शन ये कवर करता है। और इस कोऑर्डिनेट मतलब सिलेबस अगर पेपर वाइज मैं बात करूं तो 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री 100 एंड मैथ्स 100, ठीक है, 100 ईच। अब यहाँ पे जो मैथ्स है, मैथ्स में 100 में से 25%, 20-25% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंपैरेटिवली छोटा सेक्शन है, थ्योरी वाइज बड़े हैं, बड़ा चैप्टर है। जैसे इसमें आता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स
एंड हाइपरबोला। तो ये मेरे पास पांच चैप्टर्स आते हैं और ये पांच चैप्टर्स पढ़ने पे 25% ऑफ द पेपर कवर हो जाता है। एंड लेट मी गिव यू अनदर स्टार्ट, अगर 180 प्लस स्कोर करते हो तो नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसा मैं कोई नंबर नहीं बोलना चाहता, नंबर नहीं कोट करना चाहता, बट स्टिल जो नॉर्मल ट्रेंड है कि अगर आप 180 प्लस स्कोर करते हो तो यूजुअली यू आर इन टॉप 20,000। और टॉप 20,000 में होने का मतलब है दैट यू विल बी गेटिंग अ गुड एनआईटी विथ अ रिस्पेक्टेबल ब्रांच, विथ अच्छी ब्रांच। और अगर यही चीज आपने 200 प्लस कर लिया तो यू डेफिनेटली यू आर गेटिंग अंडर 12,000, अंडर 12,000 रैंक मिलेगी एंड यू विल बी इनटू अ वेरी गुड एनआईटी विथ अ वेरी गुड ब्रांच, चाहे वो कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल हो। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो हम कॉन्स्टेंटली, जो मेरा 300 नंबर का पेपर होगा ना, उसमें विल ट्राई एंड अचीव 200। मैथ्स का सेक्शन इज द ट्रिकीएस्ट मोस्ट, जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 साल से। मैथ्स का जो पोर्शन है और मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर बनता है, दैट इज द ट्रिकीएस्ट वन। एंड देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं, एंड कैसे उनको टैकल करना है। अगेन मैं डरा नहीं रहा हूँ, डरने वरने की जरूरत नहीं है, इजी ही होता है। बट और एक और चीज, एक और फैक्ट बता दूं कि 100 से 120 में सिलेक्शन भी हो जाता है, मतलब 100 120 प्लस पे यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस, यू आर क्वालिफाइड टू गिव एडवांस पेपर। तो कट ऑफ इज वेरी लो, बट टू सिक्योर अ गुड सीट यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली हिटिंग दिस 180 प्लस मार्क। ठीक है, तो अगर हमें 180 प्लस मार्क्स हिट करने हैं मुझे, और मुझे 25 नंबर, 22-25 नंबर इस पर्टिकुलर सेक्शन से मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल रहे हैं, तो आप इस चीज की इम्पोर्टेंस समझ लो कि 10% ऑफ द मार्क्स, 10 से 15% ऑफ द मार्क्स दैट यू नीड टू स्कोर कैन बी डन बाय दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। तो दिस सेक्शन इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अलजेब्रा या बाकी सारे सेक्शंस की बात करूं। इजिएस्ट इज ट्रिगो, इजिएस्ट इज ट्रिग्नोमेट्री, इजिएस्ट सेक्शन इज ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते। मैं बताता हूँ, ट्रिगो के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज मैथ्स, मैंने बोला पांच सेक्शन में डिवाइड है। वन इज अलजेब्रा, सेकेंड इज कोऑर्डिनेट, थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना मेरे पास चार चैप्टर्स आते हैं, फोर चैप्टर्स। वन इज रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जिसका ग्लिम्स आप लोगों ने क्लास 10th में लिया है। सबने क्लास 10th में ट्रिगो पढ़ी है ना थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं कि पेपर नहीं था तो स्किप मार दिया है। एवरीवन, Yes, sir, we did it. Sir, ICC added a ninth also, sir. हाँ, आईसीएससी में तो 9th में भी था, राइट। सर, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग द पेपर, फॉर व्हिच सब्जेक्ट शुड वी स्टार्ट? शिवम, अभी पेपर डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं पहले केमिस्ट्री करता था, लास्ट में मैथ्स करता था। कुछ बच्चे पहले फिजिक्स करते हैं, लास्ट में मैथ्स करते हैं, कुछ स्टार्टिंग में मैथ्स ही करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो धीरे धीरे पेपर देते देते डेवलप हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इन दिस कोर्स ऑफ 2 ईयर्स यू विल बी गिविंग मोर देन 100 पेपर्स फॉर आई आई टी मेन्स। 30-40 तो जब तक सिलेबस चल रहा होगा तब तक ही दे दोगे, मेन्स पैटर्न पे बेस्ड। उसके अलावा 50-60 पेपर और दोगे मेंस के पहले। तो इतने पेपर दे दोगे ना, इतना यूज्ड टू हो जाओगे कि अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ से पहले स्टार्ट करना है, कौन से सेक्शन से पहले स्टार्ट करना है। सब यूज्ड टू हो जाएगा, सिलेबस इतनी बार पढ़ चुके होगे, इतनी बार रिवीजन हो चुका होगा, देन यू विल बी मतलब लाइक यू विल नॉट गेट दैट फीलिंग कि यू आर वेरी न्यू टू दिस। ठीक है, और अभ्यास सेशन में मैंने मेंशन भी किया है कि आई विल बी फोकसिंग ऑन योर अब चेंज ऑफ अप्रोच फ्रॉम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टू एमसीक्यूज। कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डील करना है, आई विल बी डीलिंग विद दैट एज वेल इन योर अभ्यास सेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर इज रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अच्छा, किसी को भी कुछ भी पूछना हो ना तो अनम्यूट करके पूछ लेना उसी टाइम पे, डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन चैट सेक्शन, क्योंकि मुझे वापस से उस विंडो पे जाना पड़ता है, फिर मुझे चैट सीखती है। नेक्स्ट इज ट्रिगो इक्वेशंस, ट्रिगो इक्वेशंस।
इसका ग्लिम्स आप लोगों को क्लास 10th में मिल चुका है, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का, जिसमें आप लोगों ने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, एनीवन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो इस तरह की बहुत सारी रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ट्रिगो इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो ये मेरा पहला चैप्टर होगा दैट आई विल बी टीचिंग, ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट चैप्टर व्हिच आई विल बी डीलिंग विद। यहाँ पे मैं बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, वहाँ से स्टार्ट करके हाइट एंड डिस्टेंस के 10th वाले क्वेश्चंस नहीं, इससे बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस जो बन सकते हैं IIT के लिए वो वाले, एंड उसके बाद फिर नई नई आइडेंटिटीज और रेशियोज डेली पढ़ेंगे। तो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, एंड इसके लिए आई विल बी गिविंग यू अ रेफरेंस बुक SL Loney. मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो, दैट इज अप टू यू। दिस इज नॉट वेरी कॉस्टली, 100 या 110 रुपीज की मार्केट में मिल जाती है नई बुक, शायद Amazon पे 85 रुपीज में अवेलेबल है, 85-90 रुपीज में, पुराना एडिशन मुझे याद है, मतलब पुराना लास्ट ईयर वाला, नया एडिशन में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, पुराने नए एडिशन में दो चार क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, दैट्स इट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मतलब सारी चीजों का PDF तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही, एक रेफरेंस बुक में बताऊंगा, तो अगर आप PDF से पढ़ने में ओके हो तो आप PDF खरीद लो, मतलब PDF तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, खरीदो नहीं, दूसरा मतलब अगर आपको PDF से प्रॉब्लम है तो बुक खरीद लो, हार्ड कॉपी खरीद लो। ओके, ट्रिगो इक्वेशंस, देन कम्स ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, and the fourth one is properties of triangle or solution of triangle, solution of triangle, solution of triangle अगर आता होगा सही से ना तो कोऑर्डिनेट में बहुत हेल्प मिलती है, यहाँ पे ना बहुत हेल्प मिलती है, तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वैसे मैं इन सब चैप्टर्स के बाद ही पढ़ाता हूँ, लेकिन सोल्यूशन इन सब चैप्टर्स के बाद अगर सोल्यूशन पढ़ो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़ोगे तो भी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हेल्प मिलेगी, तो वैसे वर्षा मतलब दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कनेक्टेड है समहाउ। ओके, नेक्स्ट वी हैव आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस। अब ये जो सेक्शन है ना, दिस इज द मोस्ट टेरिफाइंग सेक्शन, इतना डरावना सा है ये कैलकुलस कि बेसिक्स इसके लिए गुड थिंग इज कि आप इसको फिजिक्स में पहले पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत, तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है, बट एप्लीकेशन वाइज दिस इज द सेक्शन जो आप आगे चल करके इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे अपने, दिस इज समथिंग मतलब मैथ्स में नहीं हर जगह पे जो भी इंजीनियरिंग आप करोगे एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस या IIT वाले, मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस विल हैव कैलकुलस इन इट। एंड कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वन इज इंटीग्रल कैलकुलस। और हर सेक्शन में चार पांच चैप्टर्स हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर्स हैं फंक्शंस, लिमिट्स, then you have continuity and differentiability C&D, then you have differentiation and application of derivatives. तो काफी हद तक differentiation और application of derivatives थोड़ा बहुत आपको gist मिल जाएगा in physics। इंटीग्रल कैलकुलस का भी कुछ सेक्शन आप फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में दे विल बी यूजिंग दीज थिंग्स, तो वो जब बेसिक फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आपको, क्योंकि पहले दूसरे चैप्टर से ही फिजिक्स में डिफरेंशियल कैलकुलस और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज होना शुरू हो जाता है,
तो अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर इसमें समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट, और मैथ्स में ये चीज़ें मैं डायरेक्टली पढ़ा नहीं सकता बिना बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किए. तो दैट इज़ वाई फिजिक्स में इसको सेपरेटली थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस करके. कैलकुलस की बुकलेट्स भी शेयर होंगी आपके ग्रुप में, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट के लिए जितनी कैलकुलस रिक्वायर्ड होगी फिजिक्स डिपार्टमेंट विल शेयर दैट बुक. कैलकुलस से हमें लकीली इस साल नहीं डील करना है, विल बी डीलिंग विद कैलकुलस नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. मतलब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स मतलब मान के चलो कि दिसंबर जनवरी से फंक्शन से स्टार्ट होगा. फिर इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में आता है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सेकेंड चैप्टर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन. देन आता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व. एंड एट लास्ट कम्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो कैलकुलस में मेनली ये दो सेक्शंस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पांच चैप्टर आते हैं. इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये चैप्टर आते हैं. एंड फिर हमारा पांचवा सेक्शन आता है मिसेलिनियस. इतना सब चैप्टर पढ़ने के बाद पांचवा सेक्शन जो आता है दैट इज मिसेलिनियस सेक्शन. मिसेलिनियस में हम क्या पढ़ते हैं, मिसेलिनियस में हम पढ़ते हैं जो जेई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स. अब हर साल स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आता ही है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाएगी आपको. मैथमेटिकल रीजनिंग, तीन चार साल में एक क्वेश्चन आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग से. या मान के चलो कि एक 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 बार एग्जाम जब होता है तो 8 से 10 सेट्स में एग्जाम होता है, राइट? 5 दिन का, 6 दिन का ड्यूरेशन होता है, इवनिंग स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट होता है, आपको कोई एक स्लॉट मिलेगा. तो 5 दिन में के अगर ड्यूरेशन में हो रहा है, क्योंकि एस्पिरेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि एक ही टाइम पे एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकते, तो दे डिवाइड इट इन फ्यू सर्टेन नंबर ऑफ बैचेस. तो किसी को कोई डेट मिलेगी, किसी को कोई डेट मिलेगी, सबका पेपर अलग अलग होगा. तो व्हाट हैपेंस इज कि लेट्स से 6 दिन एग्जाम हो रहा है तो 12, और मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट है तो 12 डिफरेंट सेट्स होंगे. तो एक दो सेट्स में जरूर मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मिलते हैं. Then they'll have vectors and 3D, vectors and three-dimensional geometry, 3D geometry. And the final one is एक सेट से और एक आएगा principle of mathematical induction, principle of mathematical induction. तो ये चैप्टर एकदम लास्ट में पढ़ेंगे. दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, किसी को कोई डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक्स? कैसे कवर करेंगे वो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ. एनीवन? नो? ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस. अब देखो चैप्टर वाइज अगर देखूं तो 8 चैप्टर्स तो अलजेब्रा में हैं, 5 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, 8 × 5 = 13, फिर 3-4 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, 17, 9 चैप्टर्स कैलकुलस में अकेले हैं, 17 + 9 = 26, 27, 28, 29, 30, 31 चैप्टर्स हैं. और मैथ्स का सेक्शन 100 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 25 questions के. अरे 2 साल का मिला के है ना? हाँ, ये 2 साल का मिला के. हाँ, नहीं नहीं, 1 साल में इतना मेहनत नहीं करना है, टेंशन मत लो. तो ये 25 questions आते हैं 31 चैप्टर्स में से. तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई भी टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते. तो हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं. हो सकता है 25 questions में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन ना आए या मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ना आए, इसीलिए इसको मिसलिनियस में भी रखा है. बट स्टिल यू नेवर नो कि किस सेट में आ जाएगा, तो विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग.
तो पहले हम मिसेलिनियस सेक्शन में ये दो चैप्टर्स जो हैं और स्टैटिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चंस मिलते हैं इन दोनों मतलब इन तीन चैप्टर से क्वेश्चंस मिलते ही हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगो से। ट्रिगो में सबसे पहले हम रेशियोज एंड आइडेंटिटीज कवर करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विद ट्रिगो, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज कवर करेंगे। उसके बाद फिर मूविंग ऑन टू अलजेब्रा, और अलजेब्रा में फिर हम क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस पढ़ेंगे। दिस विल बी द थिंग दैट आई विल बी फॉलोइंग। क्यों मैं पहले ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ट्रिगो आपके लिए दो जगह हेल्पफुल होगी, सबसे पहले तो फिजिक्स में भी, सेकेंडली ट्रिगो के क्वेश्चंस जो ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रिगो से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। ट्रिगो से मतलब मेरा इन दो चैप्टर से मेनली है, इन दो चैप्टर से क्वेश्चंस डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, बट ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इनका हर चैप्टर में यूज है। लाइक ऐसा मान के चलो कि जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो ना, उसी तरह से हम इन सब चीज़ों को यूज करेंगे, इनकी रेशियोज को, मतलब इनके आइडेंटिटीज को, इनकी इक्वेशंस को हम यूज करेंगे अपने बाकी सारे चैप्टर्स में। तो अगर ये नहीं आता तो बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग दैट विल बी लर्निंग, विल बी स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक्स। तो इसके लिए मैंने बुक बोली एसएल लोनी, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ ऑफ दैट बुक। कैलकुलस के लिए भी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं एक रेफरेंस बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा आपको। कोऑर्डिनेट के लिए जैसे आई विल बी प्रोवाइडिंग एसके चांद पब्लिकेशन का एक, ठीक है, देन अलजेब्रा के लिए डिफरेंट चैप्टर्स के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग डिफरेंट पीडीएफ्स। तो यू विल हैव अ रेफरेंस पीडीएफ एज वेल एज रील्स मटेरियल विथ यू गाइस। अगर आपको बुक्स खरीदनी है तो बुक्स भी अकॉर्डिंगली मैं चैप्टर वाइज रिकमेंड करता रहूंगा। तो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग ऑल दोस बुक एंड स्टैकिंग अप नाउ। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और मैं बताता रहूंगा, वैसे वैसे आप बुक्स अगर आपको लेनी होगी तो लेते रहना, नहीं तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। और फिलहाल एसएल लोनी इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर किसी को खरीदने का मन है तो 80-85 रुपीज में मिल जाती है, बहुत महंगी नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। किसी को अभी तक कोई डाउट? एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? 11th में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ते हैं? मैंने बोला ना कार्तिक कि एज सच 11th 12th नहीं होता, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिगो से। अब ट्रिगो आपके 11th में है, फिर ट्रिगो इक्वेशंस आपके 11th में है, जो स्टेट बोर्ड वाले होंगे उनके लिए ट्रिगो इक्वेशंस क्लास 12th में होगा। अब उसके बाद फिर आई विल बी स्टार्टिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में है ही नहीं, एज अ चैप्टर ही नहीं है वो, 10th में आपने पढ़ा हुआ है बस, बहुत बेसिक सी चीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूंगा तो हाँ वो क्लास 11th में है, बाइनोमियल क्लास 11th में है, पीएनसी क्लास 11th में है। लेकिन जैसे ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैंने आईटीएफ पढ़ाया तो आईटीएफ क्लास 12th का सिलेबस है, लेकिन हम हो सकता है क्लास 11th में उसको कवर कर लें। तो एज सच 11th और 12th में डिस्ट्रीब्यूट करके मत पढ़ो, एनसीईआरटी अपनी जगह रखेंगे, इसको अपनी जगह रखेंगे जेई, ठीक है। बट फॉर श्योर जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे ना, दैट विल बी वे मोर एडवांस As compared to NCERT. NCERT में बहुत लिमिटेड चीजें दी रहती हैं कि आपके बेसिक्स बन जाएं बस, उसके ऊपर का ही सिलेबस हम मतलब उससे ज्यादा ही सिलेबस कवर करेंगे। NCERT is 20% जो हम सिलेबस कवर करने वाले हैं। अगर हम 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं तो NCERT is 20-25% फॉर मैथ्स, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? ओके, अमोघ आप कहाँ से हो बेटा? वेयर आर यू फ्रॉम अमोघ? रेज योर हैंड एवरीवन, देयर इज अ रेज हैंड ऑप्शन, एवरीवन रेज योर हैंड, देयर इज अ रेज हैंड ऑप्शन, रेज योर हैंड एवरीवन, डू नॉट लोअर डाउन योर हैंड अनलेस आई से सो। Raise your hand, everyone. So, Amog, Ankita, अच्छा Ankita did. Diya, where are you? Amog, Diya, Vrushti. Okay, Vrushti is the name. Shivam, Amog, Diya. Diya has raised. ठीक है, तो Shivam and Amog are inactive. देखो ऐसे इनएक्टिव मत रहना, क्योंकि कई बार ऐसे कॉन्सर्ट्स में मिस कर लोगे, ठीक है। सर नहीं, मुझे वो बटन नहीं मिल रहा था सर, किस पे क्लिक करना है समझ नहीं आ रहा था, थम्स अप पे चली जा रही थी सर।
ओके नो वरीज. अमोघ एंड शिवम, ठीक है, ये दोनों इनएक्टिव है. ओके, किसी और को कोई डाउट? डू नॉट लोअर डाउन योर हैंड्स एनीवन. कोई अपना हैंड डाउन नहीं करेगा, लोअर डाउन नहीं करेगा. डज एनीवन हैव एनी मोर क्वेरीज? सर दिस बैच फॉर जेई मेंस, मतलब स्पेसिफिकली जेई मेंस, मैंने बोला ना कि मैं जेई मेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल बी टीचिंग द एडवांस कॉन्सेप्ट्स एज वेल. तो इररिस्पेक्टिव की जेई मेंस के बारे में, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ सुहानी कि दिस बैच इज नॉट फॉर जेई मेंस स्पेसिफिकली. मतलब मैं दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं एडवांस के भी कॉन्सेप्ट पूरे कवर करूंगा इधर. तो अगर आपने एडवांस के लिए अप्लाई किया तो भी कवर होगा, अगर आपने मेंस के लिए अप्लाई किया तो भी कवर होगा. ओके, और कुछ किसी और को कोई? पेपर पैटर्न सबको पता है क्या होता है? 300 मार्क्स का होता है, बता दिया मैंने. 100 100 100 में डिवाइड होता है. मैं मेंस की बात कर रहा हूँ अभी. एडवांस का पेपर, एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता है, कोई नहीं बता सकता कि एडवांस में क्या पूछेगा इस बार, किस टाइप का पैटर्न फॉलो होगा. बट कुछ 6-7 टाइप के क्वेश्चन हैं, वही 6-7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच यू विल इवेंचुअली लर्न. जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा आई विल बी गाइडिंग यू गाइज अकॉर्डिंगली. ओके, तो लोअर डाउन योर हैंड्स एवरीवन एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let's start with this particular question. Basics. अब basics में सबसे पहला question is कि सब लोग chat section में अपना answer लिखेंगे. You have this equation x square is equals to 2x. Find value of x. Find value of x. X square is equals to 2x. Find value of x. X square is equals to 2x. Jaldi chat section. Okay, I have one answer from Dia, Kesar, Nodal. बाकी लोग x square is equals to 2x कितना टाइम लग रहा है? राइट, रिद्धि का भी आंसर है, सीमन का भी आंसर है, रूट 2x, शिवम इज सेइंग ओके, कार्तिके, ओम वृष्टि, एक सुहानी को छोड़ करके ना एवरीवन्स आंसर इज इनकम्प्लीट, ओनली सुहानी इज राइट. तो ये जो पहली मिस्टेक है ना जो हम करते क्या है यहाँ पे, कि मेरे पास अगर क्वेश्चन आया x square is equals to 2x, तो what I do is कि मैं x को कैंसिल आउट कर देता हूँ. x square is equals to 2x, हमने x कैंसिल आउट कर दिया, x is equals to 2 लिख दिया, which is wrong. हमें क्या करना है, x square minus 2x is equals to 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x minus 2 is equals to 0. अब ध्यान से देखो ये चीज कि अगर मेरे पास दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इफ आई एम सेइंग दैट ए इनटू बी इज इक्वल टू जीरो, इफ आई हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इक्वल टू जीरो, तो दिस मींस कि ए जीरो भी हो सकता है तो भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, या बी जीरो हो जाएगा तो भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पे दो सोल्यूशन हैं, एक सोल्यूशन नहीं है, एंड द सोल्यूशंस आर जीरो एंड टू. सोल्यूशंस आर जीरो एंड x is equals to 0 पे भी ये इक्वेशन जीरो हो रही है, x is equals to 2 पे भी ये इक्वेशन जीरो हो रही है मल्टीप्लाई होने के बाद. दैट इज व्हाई देयर आर टू वैल्यूज, राइट एवरीवन. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हम गलत करते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. और वो क्या है उसको लिख लो अपने लैंग्वेज में कि कैंसिलेशन, वी शुड अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स, वी शुड avoid cancellation of terms on both sides of equality, on both sides of equality. क्यों? क्योंकि cancellation में results, cancellation में result in loss of solutions, result in loss of solutions.
ट्रांसलेशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सोल्यूशन. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ऑल्दो द सोल्यूशन वॉज जीरो एज वेल, बट मुझे जीरो का लॉस हुआ, मतलब आई एम नॉट गेटिंग आंसर एज जीरो. क्यों? क्योंकि मैंने टर्म कैंसिल कर दिया था. तो कैंसिलेशन अवॉइड करना है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या टू और फोर भी नहीं कैंसिल कर सकते? कर सकते हो. टू और फोर कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट. टू और फोर जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट है. यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई. एक्स और वाई नहीं कैंसिल कर सकते, या एक्स और एक्स नहीं कैंसिल कर सकते. इस सब तरह की चीजों को अवॉइड करना है. कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है ना, कॉन्स्टेंट की वैल्यू यू कैन कैंसिल आउट. ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स अवॉइड करना है. क्यों कैंसिलेशन ऑफ टर्म अवॉइड करना है? बिकॉज इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशन. तो चलो एक क्वेश्चन और करो. एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू. वैल्यू ऑफ एक्स निकालो. एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू. एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू. माइनस एट. अस्मिता सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस एट इन सी. सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू माइनस एट एक्स की जगह. देखो सेटिस्फाई हो रहा है. तो फिर वापस से ट्राई करो. x माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ x माइनस टू. ओके, आई हैव वन आंसर फ्रॉम दृष्टि. दृष्टि आप इंटीग्रेटेड हो नॉन इंटीग्रेटेड हो? नॉन इंटीग्रेटेड. ओके, कौन से स्कूल से आगे प्लान कर रहे हो? डीएवी. राइट वैष्णवी. दृष्टि देखो क्यों टू आंसर नहीं है आपका, एक बार सोचो. माइनस सिक्स एक बार कार्तिक के माइनस सिक्स रखो ओरिजिनल इक्वेशन में. देखो सही आंसर है क्या? सेटिस्फाई कर रहा है माइनस सिक्स. राइट के सर. सर कैन यू शो द क्वेश्चन वंस अगेन? Sure. X minus 2 ka whole square is equals to 4 times of x minus 2. कैसे कर रहे हो सब? इसको ओपन कर रहे हो क्या? सर आई गॉट 6 एंड 2. राइट, 6 एंड 2 आर द राइट आंसर्स. यस सर. बट टेल मी वन थिंग दैट how is everyone solving? Are you guys opening? Sir, this? I did that. I considered 6 minus 2 as a and then I solved it. Like a square equals to 4a. Then I solved. Okay. So, aapne kya kiya ki x minus 2 ko k le liya. So, k square is equals to 4k. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Haan, basically, main aisa hi kuch karunga. मैं भी यही करूंगा, बस इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट एज x माइनस टू का होल स्क्वायर. देखो सब लोग ध्यान से यहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. बट इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस फोर टाइम्स ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. अब x माइनस टू कॉमन ले लो. दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन कैलकुलेशंस, टेकिंग समथिंग कॉमन विच यू कैन सी.
एक्स माइनस टू को अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक एक्स माइनस टू बचेगा और यहाँ पे एक माइनस फोर बचेगा। क्वेश्चन देखो हो गया ना यहीं पे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू और एक्स की वैल्यू सिक्स। अगर एक्स की वैल्यू टू होगी तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, एक्स की वैल्यू सिक्स होगी तो ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, विच इज द सेम थिंग दैट व्हाट रटना डिड। के के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू या तो जीरो है या फोर है, और के क्या था मेरे पास, के वॉज एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर। तो x की वैल्यू अकॉर्डिंगली आप निकाल लो, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दैट इज द सेम थिंग दैट आई यूज्ड अ वेरिएबल, आई वाज डूइंग इट डायरेक्टली। बट देखो किस तरह से कॉमन लेना ज्यादा आसान है रादर दैन सिंप्लीफाइंग, उसमें कैलकुलेशन एरर्स भी हो रहे हैं आप लोगों के। जो इसको सिंप्लीफाई करने जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस एट, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेगा, फिर वापस एक क्वाड्रेटिक को ब्रेक करेगा, दिस विल बी मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस हम क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेंगे एंड फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एंड अगेन देखो मैंने x माइनस टू कैंसिल आउट नहीं किया यहाँ पे, जिसने x माइनस टू कैंसिल आउट कर दिया होगा ना उसको एक ही आंसर आएगा x इज इक्वल टू सिक्स। तो अगेन इफ यू आर कैंसिलिंग आउट x माइनस टू तो यू आर लूजिंग अ सॉल्यूशन, व्हिच वाज द होल पॉइंट कि कैंसिलेशन मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो डू नॉट कैंसिल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर is equals to 5 times of x square plus 1. x square plus 1 ka whole square is equals to 5 times of x square plus 1. क्या आ रहा है आंसर? x square plus 1 का whole square is equals to 5 times of x square plus 1. Anyone? That's number 2 and root of minus 1. Okay. After the three solutions. Okay. Vaishnavi has two answers. Root of minus one and plus minus two. Right, Swani. Swani also got three answers. Yes, sir, it will be plus minus. Plus one. That is what you're saying? No, sir. I'm saying that it will be plus minus two and root of minus one. Because, right. Because minus minus also gives you plus. Right? अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ऑब्वियसली सच आप लोग सभी लोग सही कर रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं कॉमन लूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन एक तो ये चीज हो जाएगी और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, एक तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन है कि एक स्क्वायर है और एक नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। टू टेल मी इज इट पॉसिबल टू हैव
स्क्वायर, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्या ये पॉसिबल है? इज इट अ पॉसिबिलिटी? पॉजिटिव इज इक्वल, नो सर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, आई विल नॉट बी टेलिंग दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इज अ सॉल्यूशन, फॉर नाउ दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो जरूरी नहीं है कि मतलब अगेन एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे बोलना है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो भी आंसर मिल रहा है सही है, एक बार ट्राई एंड चेक कि जो भी आंसर्स मिले हैं क्या वो एक्चुअली में वैलिड आंसर्स हैं, does it have any meaningful value, does x has any meaningful value, इस सिचुएशन में x square is equals to minus one, positive is equals to negative is not possible, तो hence it has no meaningful value, तो दो ही solutions आएंगे plus and minus two। अच्छा एक और चीज कि अगर मैं जो मैं मैथ्स में कन्वेंशन लूंगा that convention will be कि अगर मेरे पास x square is equals to 9 लिखा है तो मेरा आंसर विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, वेयर एज अगर मेरे पास रूट ऑफ 9 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस 3। तो दिस इज द कन्वेंशन दैट आई विल बी फॉलोइंग इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों नहीं आएगा, ऐसा लिखा है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, ऐसा लिखा है तो बस पॉजिटिव आएगा। तो रिमेंबर दिस थिंग। अब एक और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं ये। पहला टाइप क्या था कि कैंसिलेशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशन। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, सो वॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड? To remove the root, and what will we do? Squaring both sides. Right. So हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे squaring both side करते हैं. What we do is squaring both side. अब squaring both side करते ही क्या हो जाएगा? X is equals to x minus 2 का whole square. Right. और upon further simplification, मुझे x की values बताओ क्या क्या आ रही है? Anyone? Unmute करके बताना। जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है इतना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में? सर x is equal to minus 2 ये आ रहा है, एक सेकंड बेटा, यहां से देखो क्या हो जाएगा, x square minus 4x plus 4, इस x को भी राइट हैंड साइड लाओगे तो minus 5x is equal to 0, इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा? ये आ रहा है, minus 2 नहीं आ रहा होगा बेटा, चेक करो। सो x इज इक्वल टू 4 और 1, 4 और 1 आ रहा है ना, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। यस सर, बाकी लोग भी कंफर्म करो ये चीज। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से इट विल बी x स्क्वायर, नहीं ये थोड़ा ज्यादा कंट्रास्ट हो गया, x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 4, अब इस x को भी राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो माइनस 5x हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? 1 और 4 आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन में चेक करेंगे तो 1 आ गया। राइट, अगर मैं इसको ओरिजिनल सॉल्यूशन में इसकी वैल्यूज चेक करूंगा ना 1 और 4 सब्स्टिट्यूट करके, देखो तो क्या होगा, अगर मैंने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 minus 2। अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया कि रूट में जो क्वांटिटी होती है दैट शुड रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव वैल्यू,
बट राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है. तो वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, क्या पॉसिबिलिटी है? नो सर. नो. सो वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू, वी विल रिजेक्ट दिस वैल्यू. x इज इक्वल्स टू फोर के लिए भी चेक कर लो. तो रूट ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर माइनस टू. तो रूट ऑफ फोर क्या हो जाएगा, प्लस टू देगा, टू. तो ये तो एक सोल्यूशन है. x की वैल्यू फोर रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, बट x की वैल्यू वन रखने पे नहीं आ रहे हैं. तो जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं ना, रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेनेवर वी आर स्क्वायरिंग, तो देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन. देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग एन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन. ठीक है, तो इस चीज को लिख लो कि स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी, स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी, बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी मे रिजल्ट इन एक्स्ट्रा सोल्यूशन जिसको एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी बोलते हैं, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन which may not satisfy original equation. तो जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाई करे. तो ऐसे सॉल्यूशंस जब भी स्क्वायरिंग करो ना, तो जो भी एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करो कि जब भी स्क्वायर करो, जो एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं उन एंड रिजल्ट्स को एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि सैटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा. तो अवॉइड दिस, क्रॉस वेरीफाई. अगर मान लो स्क्वायरिंग करने की जरूरत ही पड़ गई, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता बिना स्क्वायर किए, तब तो स्क्वायरिंग करोगे ना, जैसे इस क्वेश्चन में करना पड़ा. तो टू अवॉइड दिस, क्रॉस वेरीफाई द सॉल्यूशंस विद ओरिजिनल इक्वेशन. टू वेरीफाई दिस, क्रॉस वेरीफाई द सॉल्यूशंस विद ओरिजिनल इक्वेशन. सर, आई एम हैविंग अ बिट डिस्कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, सो कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन मीनिंग? हाँ श्योर. देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि सिंस वी डिड स्क्वायरिंग, तो व्हाट हैपेंड वाज देयर वाज अ चांस ऑफ गेटिंग एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन. यही चीज मैंने लिखवाई है कि स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स ऑन बोथ साइड मे रिजल्ट इन एन एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, जिसको हम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं. तो देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग एन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड्स. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, व्हाट यू नीड टू डू इज कि वंस यू गेट द सॉल्यूशन, so verify it with the original equation whether that values are getting satisfied in the original equation or not. जो हमने किया अभी verification step. ठीक है? Okay sir. Okay. और ये चीज मैंने mention कर दी है कि जब भी मैं ये करूंगा तो it means plus minus 3, जब भी मैं square root लूंगा तो मुझे जो result मिलेगा वो एक linear, मतलब जैसे मान लो मैंने बोला x square is equals to 4. तो x square is equals to 4 बोलने का मतलब है कि x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आएगी. क्यों आएगी? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पावर 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, राइट? वेयर एज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ x is equals to root 4, तो डोंट यू थिंक दैट x इज अ लीनियर इक्वेशन, राइट एवरीवन? तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होना चाहिए ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते वक्त बेसिक्स जो थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप लोगों को यही पता था ना कि अगर, क्योंकि पावर 2 है तो दो सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, अगर पावर 1 होगा तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ना, राइट? तो दैट इज वाई ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, सो हेंस टू सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. Quadratic, तो two solutions possible है, ये linear है,
एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है. देयरफॉर टू सोल्यूशन, देयरफॉर वन सोल्यूशन. दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू कॉमनली डू मिस्टेक, कि आप रूट ऑफ फोर लिखते हो तो प्लस माइनस टू दोनों लिख देते हो, विच यू शुडेंट. प्लस टू ही लिखोगे आप, और यहाँ पे आप प्लस माइनस वाले भूल जाते हो, बट ठीक है आप लोग नहीं भूले, इट इज अ गुड थिंग. तो ये हो गया कुछ. अब बात करते हैं what do you understand by the term infinity and what do you understand by the term not defined. Anyone? Infinity क्या है? What do you understand by the term infinity? So infinity is a term which cannot end, or it goes on endlessly. It goes on endlessly. So what is not defined? An example? So space. Space is not defined, right? So space can also go infinitely, na? So why not infinite? So value of pi also. She was right. बेटा आपका नाम, जिससे कि अभी मैं सबकी आवाज पहचान लूं. सर रत्ना. रत्ना झा. हाँ ठीक है, रत्ना इज ओके. आई विल नॉट बी कॉलिंग रत्ना झा. द वैल्यू ऑफ tan 90. वेरी गुड. tan infinity. tan 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट? 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन नॉट डिफाइंड इज कि हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता. We do not get any output in not defined. हमें नहीं पता होता कि output क्या आएगा. No output. Here you get no output. अब but किसने universe mention किया था बेटा आपका नाम? Sir Mridul. Mridul. Okay, Mridul. Since Mridul has talked about universe, so what do you understand by universe? Is it not defined or is it infinite? So it's infinite. Not defined नहीं, मतलब यूनिवर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? मतलब काफी ट्रिकी सा टॉपिक उठा लिया तुमने यूनिवर्स की बात करके. यस सर. ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. सो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जब बात करते हैं ना, तो कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है. बट जब एग्जैक्टली यूनिवर्स को डिफाइन करना चाहोगे तो यू डू नॉट हैव एनी डेफिनेशन. ठीक है, थोड़ा वेक सा टॉपिक है. इस चीज के बारे में जितना भी डिस्कस करेंगे एट द एंड दोनों में घूमते रहेंगे. लेट्स नॉट डिस्कस इट. मैथमेटिकल टर्म्स में बताओ इनफिनिटी क्या होता है. सो वैल्यू ऑफ पाई. वैल्यू ऑफ पाई, नेवर एंडिंग. यस सर. कह सकते हो इनफिनिटी का सिंबल पता है सबको? सो हॉरिजॉन्टल 8. हॉरिजॉन्टल 8 टाइप, राइट? तो इफ 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 मेरे पास इनफिनिटी होता तो डू आई हैव अ नेगेटिव इनफिनिटी एज वेल? यस सर. और कैसा सा ये शेप है? ये थोड़ा डमरू टाइप का शेप है. हैज एवरीवन सीन डमरू? यस सर. शिवजी कैरीज इट. तो इस टाइप का कुछ शेप है ये. ठीक है, दिस इज अ सिंबल फॉर इनफिनिटी. और इन्फिनिटी में क्या होता है ना कि इन्फिनिटी इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड. इट इज वेरी लार्ज टू मेजर. वेरी लार्ज टू मेजर मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट है, तो दैट क्वांटिटी इज इन सो वास्ट, सो ह्यूज, सो लार्ज दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, वी कैन नॉट मेजर इट. लेट्स से द नंबर ऑफ हेयर्स. So the number of hairs on your head is not defined. We cannot say that they are not defined. They are infinite in number. That is something that is so large that you cannot calculate it. You cannot count it. You cannot measure it. So something which is very large to measure, but can be considered as an output. Kisi cheez ka output infinity ho sakta hai. Infinity, jaise usne bola ki value of pi. The value of pi कुछ तो होगी ना. आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट इट विल गो ऑन एंड यू कैन से दैट इनफाइनाइट नंबर्स आर प्रेजेंट, बट इट इज स्टिल एन आउटपुट वैल्यू ऑफ पाई, राइट? यू टेक इट इन रिजल्ट्स एंड यू कैलकुलेट इट, बट
वन अपॉन जीरो इज समथिंग जिसको आप देखते ही अवॉइड कर देते हो. यू डू नॉट मूव अहेड एंड यू अवॉइड इट, राइट. उसको आप उस चीज के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है. तो यू से दैट इट इज अ नॉन डिफाइंड सेक्टर, आई विल नॉट टच इट. बट अगर मैं पाई की वैल्यू बोलूं, जैसे पाई की वैल्यू दो इट गोज अप टू इनफिनिटी, बट स्टिल यू टेंड टू यूज इट ना एवरीवेयर. हाँ या ना? Yes. So this is very large to measure, and this can be considered as an output. Can be considered as an output. Okay. One upon zero is not defined. Something divided by zero is not defined, and an output. अब ठीक है everyone, यहाँ तक okay? डिफरेंस समझ में आता है सबको थोड़ा बहुत? यस सर. ग्राफ्स की बात करेंगे. हाँ सर, इवन इन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन व्हेन ओवरलैपिंग लाइंस आर देयर दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सॉरी, व्हेन यू हैव ओवरलैपिंग लाइंस. हाँ, ओवरलैपिंग लाइंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट. ऐसा नहीं है कि वो डिफाइंड नहीं है. जैसे मान लो कोई लाइंस है, दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड मैंने इन दोनों को ओवरलैप कर दिया, तो एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन इफ दीस टू लाइंस ओवरलैप, राइट. थोड़ा बहुत ब्रीफ में, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज अ सॉल्यूशन. तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे दो नॉन ओवरलैपिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट सॉल्यूशन होता है दोनों लाइंस का. लाइंस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सबने सीखा है ना. जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी y is equals to x minus 2, और एक इक्वेशन दे दी y is equals to x, y is equals to minus x. तो समवेयर डाउन द लाइन यू नो ना देयर दीस टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, राइट. दीस टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, और जैसे ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा. Now what happens अगर दोनों लाइन्स एक दूसरे पे ही लाई कर रही, तो ये तो इनफाइनाइटली इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई ना. तो एवरी पॉइंट विल बी सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. समझ रहे हो? यस सर. बाकी लोग भी? यस सर. यस सर. यस सर. सो दैट इज व्हाई यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इन दिस केस. सो दैट इज आल्सो अ गुड एग्जांपल कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन. एंड कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अच्छा, वन से टू के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? वन से टू के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल? एनीवन? So infinite. Infinite, right? Infinite. Infinite number of possible. क्योंकि अगर मैं कोई भी दो नंबर ले लूं तो उनके बीच में हमेशा infinite number possible होंगे. Logically सोच सकते हैं इस चीज को. जैसे मान लो मैंने 1 और 1.00001 ले लिया, इनके बीच में भी infinite number possible है, right? समझ रहे हो सब लोग? 1.00000 अब इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा दूंगा तो कितने सारे नंबर्स इसी सीरीज में आ जाएंगे. मैं अभी 8 10 जीरो और भी ले सकता हूँ, एंड बोथ ऑफ दीज नंबर्स, मतलब कोई भी दो नंबर आप ले लो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आर पॉसिबल. एक एक बेसिक सा क्वेश्चन करो. लेट्स से x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. सो x square minus 4 is equals to 0. Find the solutions. Find values of x. X square minus 4 upon x minus 2 is equals to 0. Find values of x. Sir, x is equal to plus minus 2. Okay, I have one answer. X is equals to plus minus 2. Baki log? वेरीफाई करो सही है या गलत. सर माइनस टू. माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू टू, राइट. वो तो लिख ही दिया मैंने प्लस माइनस टू. सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू. प्लस माइनस टू आ गया. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू.
सबका प्लस माइनस टू आ रहा है, एक स्टूडेंट का एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आया, सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू सर, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू वाले हैंड रेस करो, प्लस माइनस टू हैंड रेस करो, ओके, मृदल, अस्मिता, राजनवी, सृष्टि, रिद्धि, शिवम, केसर, दिया, अनिरुद्ध एंड अंकिता, इतने स्टूडेंट्स का प्लस माइनस टू आ रहा है, बाकी सबका माइनस टू आ रहा है, यस सर माइनस टू, माइनस टू, ठीक है, ये जितना मैंने हैंड रेस किया ना बेटा, देखो क्या गलती की आप लोगों ने, द राइट आंसर इज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, क्या गलती की ना, जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यू आर राइट, आंसर तो ऐसा ही आना चाहिए था, बट हमें गिवन कंडीशन को हमेशा कंसिडरेशन में लेना है, जैसे यहाँ से आपने क्या किया, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, आपने बोल दिया कि x की वैल्यू टू, और क्योंकि कोई भी चीज जीरो तभी होती है जब उसका न्यूमरेटर जीरो हो, राइट, ये चीज भी अभी मैं मेंशन कराता हूँ, एक तो टू और माइनस टू आ रहा है, बट देखो जैसे ही मैंने x की वैल्यू टू रखी ना, मेरा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाता है, माय डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो एट x इज इक्वल्स टू टू, डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो होता ही क्या हो जाता है, फंक्शन कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड, राइट, एक्स इज इक्वल टू प्लस टू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, विल बी नेग्लेक्टिंग दिस, विल नेग्लेक्ट दिस, तो जैसे हमने नेग्लेक्ट किया तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन बचेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज माई ओनली सोल्यूशन, समझा सबको, yes, sir. तो these are the basic mistakes, हाँ बेटा बोलो सर, अगर हम ऐसे subjective type questions कर रहे हैं तो हमें दिखाना है कि x is equal to 2, अगर आपको subjective करना पड़ा तो ये जो line मैंने mention की है ना, ये line आपको लिखनी पड़ेगी, at x is equals to denominator becomes 0, so we'll neglect it, ठीक है, okay, अब एक और चीज देखो, ये जो basic mistakes है ना, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पर जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीजें, मैं हर पॉइंट पर ये सब चीजें नहीं सिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि इसीलिए मैं एक लेक्चर लेता हूँ जहाँ पे मैं बेसिक्स कराता हूँ, जो बेसिक मिस्टेक्स मुझे दिखा है कि स्टूडेंट्स करते हैं हमेशा, तो मैं पहले ही लेक्चर में उन सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करवा देता हूँ या सिखा देता हूँ, जिससे कि जब स्टूडेंट आगे कैरी करे, मतलब जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेन कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट ना समझना है। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ कि कोई भी फ्रैक्शन, इफ आई हैव अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में मेरे पास क्या होता है, एक मेरे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट, तो व्हेन कैन अ फ्रैक्शन बिकम्स जीरो, फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, when numerator is zero, or कोई वे कोई denominator को भी बारे में भी कुछ बोल रहा था, अरे it's okay, सीख रहे हो, बताओ ना, गलती हो तो होगा, someone has mentioned कि when denominators becomes infinity, anyone, किसी ने mention किया था, फ्रैक्शन बिकम्स जीरो व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो, देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा तो दिस वैल्यू विल नॉट बी एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो की बात कर रहा हूँ, ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने वन अपॉन इंफिनिटी लिखा तो यू कैन से दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट जीरो, तो किसी भी फ्रैक्शन को ये साइन अप्रोक्सीमेटली का है, तो किसी भी फ्रैक्शन को एग्जैक्ट जीरो होने के लिए एक ही कंडीशन है, एंड वो कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शन बिकम्स जीरो, सॉरी न्यूमरेटर बिकम्स जीरो, न्यूमरेटर इज जीरो,
अब यही चीज मैंने यहाँ पे यूज की कि आई वॉन्ट दिस फ्रैक्शन टू बिकम जीरो। तो ये फ्रैक्शन जीरो कब होगा, जब मेरे पास न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो मुझे डिनोमिनेटर को देखना भी नहीं था, मुझे डिनोमिनेटर को कब देखना है, मुझे जब मेरी वैल्यूज आ रही हैं, मुझे बस ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि डिनोमिनेटर वहां पे जीरो हो जा रहा और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा हो। तो मैं किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को इक्वल टू जीरो करूंगा तो मुझे सोल्यूशन न्यूमरेटर से ही मिल जाएंगे, डिनोमिनेटर को टच करने की जरूरत भी नहीं है। डिनोमिनेटर हाँ, लेकिन जो वैल्यूज मुझे मिली हैं उनको एक बार जरूर मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन वैल्यूज पे जो आंसर्स आए मेरे पास, उन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, समझ गया? यस सर। यस सर। आल्सो फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड when denominator is zero. जब denominator zero हो जाएगा तो fraction not defined हो जाएगा, fraction is not defined. ठीक है, याद रखना ये approximately zero होता है, exact zero नहीं होता। exact zero तभी होगा जब fraction का numerator zero हो जाए। एक question करें? The question is x square minus 6x plus 9 upon x minus 3 is equals to chalo 0 le lo, find the value of x. सर x is equal to 3. क्या आया ऊपर, x minus 3 का होल स्क्वायर आया? Yes sir. सर बट वो डिनोमिनेटर को नॉट डिफाइंड है। Right, x is equal to 3 सॉल्यूशन आ रहा है, बट जैसे ही 3 आया तो मैं एक बार डिनोमिनेटर के लिए चेक करूंगा। तो डिनोमिनेटर बिकम्स नॉट डिफाइंड तो क्या हो जाएगा, नो वैल्यूज, नो सॉल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन वाला केस भी पॉसिबल होता है, देयर इज नो सोल्यूशंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is equals to zero. X square minus 5x plus 6 upon x square minus 3x plus 2. X square minus 5x plus 6, x square minus 3x plus 2. Shivam, hand raise kiya? Sir, the answer is x is equal to 3 and x is equal to 2. 3 or 2 are there. Okay. Result 2 and minus 2 are there. Two different sets of answers. Sir, x is equal to 1 and x is equal to 2. 2 and minus 2. Or kya answer are there? 1 and? 2. 1 and 2. Okay.
सिर्फ थ्री भी एक आंसर है. ओके और थ्री किसका आया? सिर्फ थ्री. सुहानी. ओके वन और माइनस टू, सॉरी वन और टू किसका आया था? सर केसर. केसर वन एंड माइनस टू, सॉरी वन एंड टू. टू और माइनस टू इज फ्रॉम रदल. थ्री एंड टू किसका आया था? सर अस्मिता. अस्मिता. ओके ठीक है. अभी धीरे धीरे मैं सबके नाम याद कर रहा हूँ. तो इस बाकी लोगों के आंसर. अथर्व हाँ बोलो. बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं आई? सॉरी थ्री. थ्री राइट. तो थ्री इज द राइट आंसर. देखते हैं कैसे. सबसे पहले तो देखो फ्रैक्शन जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर शुड बी जीरो. तो न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, टू और थ्री. ठीक है तो ये दोनों वैल्यूज तो वैसे ही निगलेक्ट हो गई. ये टू और माइनस टू और वन और टू कैसे आ रहा है? जो भी आंसर आएगा वो या तो टू आएगा या तो थ्री आएगा या दोनों आएगा. अब सेकेंड चीज मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों वैल्यूज पे कहीं ऐसा तो नहीं कि डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो जा रहा है. तो जब मैं x इज इक्वल टू टू सेटिस्फाई करा रहा हूँ इसको, डिनोमिनेटर की वैल्यूज चेक करो x इज इक्वल टू टू पे तो कितना हो रहा है? फोर माइनस सिक्स प्लस टू. डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है x इज इक्वल टू टू पे. जब डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो टू को हम रिजेक्ट कर देंगे. थ्री के लिए भी चेक कर लो. थ्री के लिए चेक करोगे तो कितना आ जाएगा? नाइन माइनस नाइन प्लस टू नॉट इक्वल टू जीरो. तो x इज इक्वल टू थ्री चलेगा. तो एक ही सोल्यूशन है x इज इक्वल टू थ्री. सबसे पहले सोल्यूशन के लिए क्या करोगे? राइट हैंड साइड पे इक्वल टू जीरो है तो वो जीरो इक्वल जीरो तब भी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर को हम डील करें, न्यूमरेटर को टैकल करें. न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो हो जाए तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो करते ही आई गॉट टू वैल्यूज. फिर दोनों वैल्यूज पे डिनोमिनेटर को चेक कर लेंगे. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर. सर बट आई एम सर सॉरी बट सर आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर. आई एम गेटिंग थ्री एंड वन. थ्री एंड वन. वन यस सर. अगर वन सॉल्यूशन होगा बेटा तो वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. वन प्लस सिक्स इज सेवन माइनस फाइव टू. तो जीरो कैसे हो रहा है? वन तो आंसर ही नहीं हो सकता ना. स्प्लिटिंग ऑफ टर्म तो सबको आता है ना. एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सबको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स आता है. Yes, sir. Splitting of term करोगे तो x minus 2 और x minus 3 ही तो आएगा. तो 2 and 3 is the solution. ठीक है? आगे बढ़े. एक last question बताओ आज के लिए. Split करके आपको क्या आया? मेरे को उसमें शायद से पता. x minus 1 and x minus 2. So sir, वो x minus 1 का क्या किया? देखो यहाँ पे अभी मैंने एक चीज लिखवाई ना कि फ्रैक्शन बिकम्स जीरो ओनली व्हेन न्यूमरेटर इज जीरो. अब किसी फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो रही है तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन न्यूमरेटर इज बिकमिंग जीरो. तो न्यूमरेटर जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? थ्री और टू पे हो रहा है. yes. Right? Yes, sir. उसमें से मैं देख रहा हूँ कि नीचे अगर टू रख दूंगा तो सोल्यूशन नॉट डिफाइन हो रहा है तो टू को नेग्लेक्ट मार देंगे तो बस थ्री आंसर हो जाएगा. हम वन को कंसिडरेशन में अगर यहाँ पे वन आता तो हम वन को भी नेगलेक्ट मार देते. तो वन का रोल बस उतना ही है कि कौन कौन से वैल्यूज को नेगलेक्ट मारना है. यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट. ठीक है क्योंकि उसकी वजह से फ्रैक्शन जीरो नहीं होगा. फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. ठीक है. ओके लास्ट क्वेश्चन इज टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. बिना पेन उठाए बताओ जल्दी से. टू अपॉन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है? एवरीवन 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नो वन विल टच द पेन.
जल्दी से आंसर बताओ. सर इनफिनिटी. सर इनफिनिटी. सर नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड से मतलब नो सॉल्यूशन ना. सर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन इज द राइट आंसर. देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो आ रहा है, अप्रोक्सीमेट जीरो नहीं आ रहा है. इन्फिनिटी डालोगे तो अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो की बात कर रहे हैं. तो नो सॉल्यूशन आएंगे. क्यों नो सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि एग्जैक्ट जीरो तभी पॉसिबल है जब मैं न्यूमरेटर को जीरो कर पाऊँ. तो न्यूमरेटर तो टू है, न्यूमरेटर तो फिक्स है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. मतलब आप कोई भी वैल्यू रख लो, दिस फ्रैक्शन विल नेवर बिकम जीरो. दिस फ्रैक्शन कैन टेंड टू बिकम जीरो. इन्फिनिटी पे मतलब इन्फिनिटी पे जीरो बनने की कोशिश करेगा बट एग्जैक्ट जीरो नहीं बन पाएगा. ये चीज मैंने अभी ऊपर लिखवाई है ना कि 1 अपॉन इनफिनिटी इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो. फ्रैक्शन तभी जीरो होगा जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए, और न्यूमरेटर तो यहाँ पे फिक्स है. तो नो सॉल्यूशन. टोटली ये क्वेश्चन हो जाएगा. इज दिस क्लियर? यस सर. तो ठीक है, यहाँ पे पॉज करते हैं. इस लेक्चर को देखना एक बार, इसके जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको देखना, सिलेबस एक बार नोट डाउन करके रख लेना अपने पास. सिलेबस इज समथिंग दैट यू माइट हैव, दैट यू मस्ट हैव. मेरा नंबर है 9015056210. कैसे भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुंबई में, नवी मुंबई में, एंड एनीथिंग, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ भी इशू हो करियर वाइज, यू रिक्वायर काउंसलिंग विच इज बेटर कॉलेज, या एनी टाइम यू आर फीलिंग लोगों के साथ नहीं हो पा रहा है, बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, या गर्लफ्रेंड रिलेटेड इशूज, बॉयफ्रेंड रिलेटेड इशूज, कुछ भी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट में. एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप करके कॉन्टैक्ट करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैं क्लासेस में होता हूँ तो मैं फोन नहीं पिक कर पाता. तो अगर आपको बात करनी है किसी भी टॉपिक पे तो give me a drop me a message on WhatsApp. इस नंबर, ये नंबर मेरा WhatsApp पे भी है. तो drop me a message on WhatsApp कि सर I need to talk. Please call me whenever you are free. So I will be calling you back जब भी मैं free होऊंगा. तो ठीक है, तो please note this down. Any sort of problem, again मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज mental support की जरूरत हो या किसी भी और तरह के support required हो, feel free to contact. Consider me like your elder brother. And feel free to contact me. Okay? And whatever talks we will be having will be confidential between you and me. And aapko parents tak ko nahi bataunga. So feel free to reach out. Okay, everyone? Okay, sir. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir.